अब राजस्थान से एक बहुत ही खास रिपोर्ट। संपन्न परिवारों के विवाह मंडप पर में डोली का चलन फिर लौट आया है, लेकिन डोली उठाने वाले और उनका काम करने वाले जो कहार होते थे उनके हाथों से अब ये काम छिटक गया है। कहार कहते हैं कि वे अब बेबसी का जीवन जी रहे हैं क्योंकि पुश्तैनी काम छिन गया और नई कोई नौकरी है नहीं। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की ये रिपोर्ट। शहनाई की धुन, मंगल गीत और पिया मिलन की बेला। दुल्हन की डोली उठी तो वहाँ कहार नहीं थे क्योंकि डोली उठाने का ये पुश्तैनी काम किसी और के हाथ चला गया। जयपुर में लवाजमा का काम करने वाले श्याम गुप्ता कहते हैं विवाह समारोह में डोली और पालकी वापस लौट रही है, लेकिन अब डोली उठाने का काम दिहाड़ी मजदूर करते हैं। अभी डोली वापस चलन में है और जो भी पुरानी चीजें थी परंपराओं से जुड़ी हुई मोस्टली सारी चीजें चलन में आ रही हैं, उसमें डोली भी हिस्सा है। वर्तमान में पुराने कहार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी लेबर जो हाथ के काम करती है वो कहार का काम कर लेते हैं। अमूमन जो भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो ही कहार का हिस्सा है। अभी ये सीजनल काम है, डोली के साथ पालकी का भी इस्तेमाल होने लगा। दुल्हन पालकी में आती है, विदा के लिए डोली का इस्तेमाल होता है। अभी भी राजपूतों में तो केवल डोली ही चलती है, बहुत परंपरा पूरे वैश्य समाज में बड़ी है। डोली और कहार का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन कहार के लिए डोली अब पराई हो गई है। कहार समाज के सोनीराम भरतपुर में चाय की थड़ी लगाकर गुजर बसर करते हैं। वे कहते हैं इससे तो राजाओं का दौर ही अच्छा था। हाँ, उस टाइम खुश थे, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। कुछ हमारी राजाओं के दिमाग में पूछताछ तो थी हमारी। आज के अंधी और बहरी सरकार, गूंगी सरकार का क्या करें जो हमको जानती भी नहीं। हमारे नाम से किसी को कोई कर्मचारी या कोई कलेक्टर या कोई SP ये नहीं जानता है कि धीमर किसको कहते, कहार किसको कहते। कहार बिरादरी हमारी बिल्कुल गिरी हुई है, हमारे पे कोई काम ही नहीं है। ना हमको कोई रिजर्वेशन दे रही है सरकार, ना हमको कोई पेटा काश की जमीन है, ना को मेरी खातदारी हो रही है, ना कोई काम नहीं हो रहा हमारा। शादी समारोह में डोली फिर लौट रही है, लेकिन कहार समाज के नेता हुकम सिंह कश्यप कहते हैं इससे जीवन यापन करना मुश्किल है। वे कहते हैं कहार फल सब्जी पैदा करने लगे हैं, लेकिन मुश्किलें तो वहाँ भी है। डोली का काम अगर उन्हें बहाल होता है तो हमारे समाज को इतना पारितोषिक नहीं मिल पाएगा जिससे कि उसके परिवार का जीवन यापन हो सके। दुल्हन डोली की बजाय है 15 लाख 16 लाख की कार में जाना ज्यादा पसंद करती है, एक डोली में ज्यादा जाना पसंद नहीं करती है। हमारे समाज के लिए राजस्थान में पूरी तरह से मुश्किलें हैं। हमारे पास जो पैतृक धंधे थे सारे खत्म हो गए। पहले डोली उठाने का भी काम करता था तो पानी भरने का भी काम करता, नदी नाले तालाब पोखरों में जो जमीन खाली हो जाती तालाब पेटे की, तो उस पर हमारे समाज के लोग आराम से ककड़ी खरबूजा या अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उत्पादन कर लेते थे खेती बाड़ी। क्योंकि मार्शल कौमों का उन जगह पर कब्जा हो चुका है, उन जगह पर मार्शल कौमों की नजर है। कहार बिरादरी के बादल सिंह कहते हैं कहार तो त्रेता युग में भी थे, लेकिन तब जीवन बहुत ठीक था। पहले महाजी, मल्लाह, धीमर, कहार, भोई इनके नाम से जाना जाता था। 37 जातियों को मिला के एक कहार कश्यप समाज बनाया है। कुछ कुछ जहां राजा महाराजाओं के जो है वहां अभी भी ये लोग करते हैं, जैसे भरतपुर में है, जोधपुर में है, वहां भी ये लोग आज भी करते हैं। अब ये कुछ इन्होंने धंधा चेंज कर दिया, मेहनत मजूरी वगैरह करते हैं और कुछ लोग खेती करने लग गए, ये इन लोगों ने चालू कर दिया। कहीं पे कहार है तो कहीं मांझी। रामायण कहती है वो निषाद राज केवट थे जिसने राम को दरिया पार करवाई, लेकिन अब वक्त ने पलटा खाया तो मांझी और नैया दोनों किनारा तलाश रहे हैं। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर।